जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के दे लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन संसार में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज की तारीख में दुनिया की एक सबसे बड़ी जो हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है वो मोटापा उसकी वजह से आप देखेंगे कि विदेश में हो या देश में काफी लोग पीड़ित हैं और छोटे छोटे बच्चे आप देखते हैं कि काफी ओवरवेट हो चुके हैं खासकर भारत में तो आजकल दुनिया की रैंकिंग में काफ़ी टॉप पे आता है मोटापे की प्रॉब्लम में ओवरवेट की प्रॉब्लम में छोटे छोटे बच्चे मोटापे से पीड़ित तो और इसके मेन रीजंस वो हैं कि आपके खाने का जो तरीका या फिर लाइफस्टाइल स्टाइल है भारत में पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है लास्ट के पंद्रह बीस साल में हमारे देश में फास्ट फूड कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है जिसकी वजह से लोग बिल्कुल खाने पे ध्यान नहीं देते वो ये नहीं सोचते कि जो खाना खा रहे हैं उसमें किसी तरीके का न्यूट्रियट्स है कि नहीं है या हमारे शरीर के लिए फ़ायदा पहुँचाएगा कि नहीं वो सिर्फ अपने स्वाद के लिए खाते हैं जब वो स्वाद के लिए खाते हैं तो ध्यान नहीं देते और ये मोटापे की प्रॉब्लम लाता है साथ में काफ़ी ज़्यादा हमें शक्कर का भोजन या फिर कार्बोहाइड्रेट या फैट का भोजन आप करते हैं तो वो आपके शरीर में चर्बी जमा करता है और आप जानते हैं कि एक बार अगर आपके शरीर में चर्बी जमा होती है या फिर मोटापा आता है तो साथ में कई दूसरी बीमारियों को लाता है चाहे वो शुगर की बीमारी हो डायबिटीज़ जिसे हम जानते हैं या फिर आपके हाई बी की प्रॉब्लम हो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और भी कई दूसरी बीमारियों को अपना मोटापा साथ में लेके आता और कभी कभी ये जानलेवा तक साबित हो जाता है इसी वजह से और इसके मेन जो रीज़न्स हैं उनमें से एक तो जैसा मैंने बोला आपको लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल चुकी है खाने का तरीका लोगों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग स्वाद के हिसाब से खाते शरीर की जगह इसके साथ में का आपके जो काम रहता है वो पूरी तरीके से अब कंप्यूटर के सामने बारह बारह पंद्रह पंद्रह घंटे बैठने का काम हो गया तो इसकी वजह फिर टी देखते लोग किसी तरीके की फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आपने देखा होगा काफ़ी लोग जिम भी जाते तो उनको असर नहीं मिलता क्योंकि वो या तो अपने खाने की कैलरी पर ध्यान नहीं देते और उसके साथ में कई बार इतना उनकी में एनर्जी नहीं रहती कि उस जिम में अपनी पूरी ताकत दे पाएँ और सही तरीके से वर्कआउट कर पाएँ तो आज उस काफ़ी लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो जिम जा सकें वेट कम करने के लिए दोस्तों आज इसके साथ में दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो कई तरीके के इसी वजह से फै, फैट बर्निंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या फिर कई तरीके की पिल्स लेते हैं या फिर कुछ दवाएँ लेते हैं जिनसे फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो जाता है आपकी जो किडनी है लीवर है उन पर असर आ जाता है प्लीज़ आप ऐसी कोई दवाएं ना लें बाज़ार में मिलने वाली फ़ैट बर्निंग की जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सके इसकी जगह हम दोस्तों आज आपको एक सिंपल सा ड्रिंक बोल सकते हैं आप फैट बर्निंग ड्रिंक जो कि पूरी तरीके से हर्बल है या फिर आप नुस्खा बोल सकते हैं वो बना के दिखाएंगे अगर आप इसका रेगुलरली सुबह खाली पेट सेवन करेंगे एटलीस्ट एक महीने तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ दोस्तों कि आपकी जो चर्बी ये कम करना चालू कर देगा आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और साथ में अगर आपको कई दूसरी बीमारियाँ चाहे वो डायबिटीज़ हार्ट पेशेंट किडनी से रिलेटेड उसमें हेल्प करेगा क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे विटामिन मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये जो आपको हेल्प करेंगे कई तरह की बीमारियों से लड़ने बचाने में तो दोस्तों बात करते हैं कि इस हर्बल ड्रिंक के लिए आपको क्या क्या चाहिए किस तरीके से बनाना है सबसे पहले दोस्तों आपको ये अदरक का रस ले लीजिए आप देखिए एक चम्मच के आसपास आप अदरक का रस ले लीजिए इसके साथ में आप ये शहद ले लीजिए एक चम्मच से डेढ़ चम्मच आप शहद ले लीजिए और इसके अंदर आप ये शहद के अंदर आप अदरक का जो रस है उसको मिला लीजिए इस तरीके से आप रस मिला लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से देखिए इस तरीके से आप मिक्स कर लीजिए इसको तो इस तरीके से ये पतला सा ड्रिंक जैसा बनने लगेगा साथ में इसके आप एलोवेरा का जेल ले लीजिए आपको बाजार में भी इजीली मिल जाएगा या आपके घर से भी जेल ले सकते हैं आपके उगा सकते हैं तो आप ये जेल जो है आप इसको ले सकते हो और इसको डालिए जेल को तकरीबन आधा चम्मच या एक चम्मच आप जेल ले लीजिए और उसको इसके अंदर डाल दीजिए देखिए इस तरीके से जेल डाल दिया मैंने और इसके साथ में दोस्तों आप एक चम्मच आप इसके अंदर जो नींबू का रस है वो डाल लीजिए और इस तरीके से दोस्तों आप इसको पूरी तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए तो आपको अगर ये थोड़ा सा खट्टा लगता है तो आप हल्का सा शहद और मिला सकते हैं इसके अंदर और अब दोस्तों आप इसको सुबह मॉर्निंग खाली पेट पी जाइए तो आपके शरीर को डिटॉक्स भी करेगा जो भी हार्मफुल टॉक्सिन है उनको निकालेगा आपके मेटाबॉलिज्म जो रहता है आपके शरीर की तो उसको इंक्रीज़ करेगा जिससे आपके जो फैट बर्निंग है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी और साथ में आपको काफ़ी दूसरे बेनिफिट भी देगा दोस्तों आप अगर इस तरीके से लेना प्रेफर नहीं करते तो आप इसको पानी में मिला के ले सकते हो तो थोड़ा सा इसका स्वाद डाइल्यूट हो जाएगा दोस्तों आप प्लीज़ इसको लीजिए और हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इससे आपको कुछ फायदा भी मिलता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में तो साथ में कोई क्वेश्चन सजेशन हो तो हमें बताइए दोस्तों धन्यवाद